नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द नॉलेज लाइब्रेरी पर। आज हम करवा चौथ पर कुछ MCQs डिस्कस करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, करवा चौथ किस माह में मनाया जाता है? ऑप्शन ए श्रावण, ऑप्शन बी भाद्रपद, ऑप्शन सी कार्तिक, ऑप्शन डी चैत्र। सही उत्तर है ऑप्शन सी कार्तिक। अगला प्रश्न है, करवा चौथ व्रत का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए धन की प्राप्ति, ऑप्शन बी पति की लंबी उम्र, ऑप्शन सी संतान प्राप्ति, ऑप्शन डी घर की सुख समृद्धि। सही उत्तर है ऑप्शन बी पति की लंबी उम्र। अगला प्रश्न है, करवा चौथ व्रत मुख्य रूप से कौन मनाते हैं? ऑप्शन ए पुरुष, ऑप्शन बी बच्चे, ऑप्शन सी विवाहित महिलाएं, ऑप्शन डी वृद्ध। सही उत्तर है ऑप्शन सी विवाहित महिलाएं। अगला प्रश्न है, करवा चौथ का उपवास कब समाप्त किया जाता है? ऑप्शन ए सूर्योदय के बाद, ऑप्शन बी चंद्रमा के दर्शन के बाद, ऑप्शन सी दोपहर के समय, ऑप्शन सी अगली सुबह। सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रमा के दर्शन के बाद। अगला प्रश्न है, करवा चौथ का व्रत किस भगवान की पूजा के साथ पूरा होता है? ऑप्शन ए भगवान शिव, ऑप्शन बी भगवान विष्णु, ऑप्शन सी भगवान गणेश, ऑप्शन डी चंद्रदेव। सही उत्तर है ऑप्शन डी चंद्रदेव। अगला प्रश्न है, करवा चौथ का व्रत किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए निर्जल व्रत, ऑप्शन बी फलाहार व्रत, ऑप्शन सी जल ग्रहण व्रत, ऑप्शन डी अनग्रहण व्रत। सही उत्तर है ऑप्शन ए निर्जल व्रत। अगला प्रश्न है, करवा चौथ के दिन किस वस्त्र का अधिक महत्व होता है? ऑप्शन ए हरा वस्त्र, ऑप्शन बी सफेद वस्त्र, ऑप्शन सी लाल वस्त्र, ऑप्शन डी नीला वस्त्र। सही उत्तर है ऑप्शन सी लाल वस्त्र। अगला प्रश्न है, करवा चौथ पर किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दीपक, ऑप्शन बी कलश, ऑप्शन सी करवा, ऑप्शन डी फूल। सही उत्तर है ऑप्शन सी करवा। अगला प्रश्न है, करवा चौथ की पूजा में किस देवी की पूजा की जाती है? ऑप्शन ए माँ दुर्गा, ऑप्शन बी माँ पार्वती, ऑप्शन सी माँ लक्ष्मी, ऑप्शन डी माँ सरस्वती। सही उत्तर है ऑप्शन बी माँ पार्वती। अगला प्रश्न है, करवा चौथ व्रत का पारंपरिक रूप किस युग से मनाया जाता है? ऑप्शन ए सत्ययुग, ऑप्शन बी त्रेता युग, ऑप्शन सी द्वापर युग, ऑप्शन डी कली युग। सही उत्तर है ऑप्शन सी द्वापर युग। अगला प्रश्न है, करवा चौथ की पूजा के समय कौन सा कथा वाचन महत्वपूर्ण होता है? ऑप्शन ए
महाभारत कथा, ऑप्शन बी रामायण कथा, ऑप्शन सी करवा चौथ कथा, ऑप्शन डी शिव पुराण कथा। सही उत्तर है ऑप्शन सी करवा चौथ कथा। अगला प्रश्न है, करवा चौथ पर महिलाएं किस वस्त्र को धारण करना शुभ मानती है? ऑप्शन ए साड़ी, ऑप्शन बी सलवार कमीज, ऑप्शन सी लहंगा चोली, ऑप्शन डी कुर्ता पायजामा। सही उत्तर है ऑप्शन ए साड़ी। अगला प्रश्न है, करवा चौथ के दिन किस ओर का चंद्रमा देखना शुभ माना जाता है? ऑप्शन ए पूर्व दिशा, ऑप्शन बी पश्चिम दिशा, ऑप्शन सी उत्तर दिशा, ऑप्शन डी दक्षिण दिशा। सही उत्तर है ऑप्शन बी पश्चिम दिशा। अगला प्रश्न है, करवा चौथ का व्रत कौन से चंद्रमा के दिन रखा जाता है? ऑप्शन ए पूर्णिमा, ऑप्शन बी अमावस्या, ऑप्शन सी चतुर्थी, ऑप्शन डी अष्टमी। सही उत्तर है ऑप्शन सी चतुर्थी। अगला प्रश्न है, करवा चौथ में किस चीज़ का दान शुभ माना जाता है? ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी वस्त्र, ऑप्शन सी करवा, ऑप्शन डी धन। सही उत्तर है ऑप्शन सी करवा। अगला प्रश्न है, करवा चौथ व्रत की पूजा किस समय की जाती है? ऑप्शन ए सुबह, ऑप्शन बी दोपहर, ऑप्शन सी शाम, ऑप्शन डी रात्रि। सही उत्तर है ऑप्शन सी शाम। अगला प्रश्न है, करवा चौथ पर उपवास रखने वाली महिला को कौन सा फल ग्रहण करना चाहिए? ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी नारंगी, ऑप्शन डी कुछ नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन डी कुछ नहीं। अगला प्रश्न है, करवा चौथ के व्रत में उपवास किसकी कृपा पाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए इंद्रदेव, ऑप्शन बी शिवजी, ऑप्शन सी गणेश जी, ऑप्शन डी चंद्रमा। सही उत्तर है ऑप्शन डी चंद्रमा। अगला प्रश्न है, करवा चौथ का व्रत पहली बार किसके लिए रखा गया था? ऑप्शन ए पति, ऑप्शन बी पुत्र, ऑप्शन सी भाई, ऑप्शन डी मित्र। सही उत्तर है ऑप्शन ए पति। अगला प्रश्न है, करवा चौथ का प्रमुख पकवान क्या होता है? ऑप्शन ए पूड़ी, ऑप्शन बी हलवा, ऑप्शन सी खीर, ऑप्शन डी लड्डू। सही उत्तर है ऑप्शन सी खीर। अगला प्रश्न है, करवा चौथ के दिन महिलाएं किस सामग्री से करवा की पूजा करती हैं? ऑप्शन ए दूध और चावल, ऑप्शन बी जल और चंदन, ऑप्शन सी फूल और माला, ऑप्शन डी आटा और हल्दी। सही उत्तर है ऑप्शन ए दूध और चावल।
अगला प्रश्न है, करवा चौथ का त्यौहार किसके द्वारा शुरू हुआ माना जाता है? ऑप्शन ए माता पार्वती, ऑप्शन बी सावित्री, ऑप्शन सी सत्यवान, ऑप्शन डी द्रौपदी। सही उत्तर है ऑप्शन बी सावित्री। अगला प्रश्न है, करवा चौथ व्रत का पालन किन राज्यों में प्रमुख रूप से किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान और पंजाब, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और गुजरात, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। सही उत्तर है ऑप्शन बी राजस्थान और पंजाब। अगला प्रश्न है, करवा चौथ पर महिलाएं कौन सा गीत गाती हैं? ऑप्शन ए लोकगीत, ऑप्शन बी भजन, ऑप्शन सी सोहर, ऑप्शन डी करवा चौथ गीत। सही उत्तर है ऑप्शन डी करवा चौथ गीत। अगला प्रश्न है, करवा चौथ के व्रत में क्या विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है? ऑप्शन ए जल ग्रहण, ऑप्शन बी पति की सेवा, ऑप्शन सी निर्जल उपवास, ऑप्शन डी चावल का दान। सही उत्तर है ऑप्शन सी निर्जल उपवास। अगला प्रश्न है, करवा चौथ व्रत का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी उपनिषद। सही उत्तर है ऑप्शन ए महाभारत। अगला प्रश्न है, करवा चौथ में किस दिशा में बैठकर पूजा की जाती है? ऑप्शन ए उत्तर दिशा, ऑप्शन बी पूर्व दिशा, ऑप्शन सी दक्षिण दिशा, ऑप्शन डी पश्चिम दिशा। सही उत्तर है ऑप्शन बी पूर्व दिशा। अगला प्रश्न है, करवा चौथ का त्यौहार किसके प्रतीक के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए प्रेम और त्याग, ऑप्शन बी शक्ति और समर्पण, ऑप्शन सी परंपरा और आस्था, ऑप्शन डी भक्ति और विश्वास। सही उत्तर है ऑप्शन बी शक्ति और समर्पण। अगला प्रश्न है, करवा चौथ के दिन महिलाएं किस भगवान से आशीर्वाद मांगती है? ऑप्शन ए गणेश जी, ऑप्शन बी विष्णु जी, ऑप्शन सी शिव जी, ऑप्शन डी चंद्रदेव। सही उत्तर है ऑप्शन डी चंद्रदेव। अगला प्रश्न है, करवा चौथ व्रत का संबंध किस त्यौहार से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए दीपावली, ऑप्शन बी होली, ऑप्शन सी वट सावित्री, ऑप्शन डी मकर संक्रांति। सही उत्तर है ऑप्शन सी वट सावित्री। अगला प्रश्न है, करवा चौथ के दिन क्या नहीं खाना चाहिए? ऑप्शन ए मिठाई, ऑप्शन बी अन्न, ऑप्शन सी फल, ऑप्शन डी जल। सही उत्तर है ऑप्शन बी अन्न। अगला प्रश्न है, करवा चौथ में महिलाएं किसे अर्पित करती हैं? ऑप्शन ए धूप, ऑप्शन बी मिठाई, ऑप्शन सी करवा, ऑप्शन डी फल।
सही उत्तर है ऑप्शन सी करवा। अगला प्रश्न है, करवा चौथ पर महिलाएं किस समय उपवास तोड़ती हैं? ऑप्शन ए सूर्योदय के बाद, ऑप्शन बी दोपहर के समय, ऑप्शन सी चंद्रमा देखने के बाद, ऑप्शन डी रात्रि के समय। सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रमा देखने के बाद। अगला प्रश्न है, करवा चौथ पर महिलाएं किस प्रकार का श्रृंगार करती हैं? ऑप्शन ए साधारण, ऑप्शन बी हल्का, ऑप्शन सी विवाह जैसा, ऑप्शन डी नहीं करती। सही उत्तर है ऑप्शन सी विवाह जैसा। अगला प्रश्न है, करवा चौथ के दिन किस देवता की कथा सुनाई जाती है? ऑप्शन ए गणेश जी, ऑप्शन बी चंद्रदेव, ऑप्शन सी शिव जी, ऑप्शन डी पार्वती जी। सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रदेव। अगला प्रश्न है, करवा चौथ पर महिलाएं किससे आशीर्वाद लेती हैं? ऑप्शन ए बुजुर्ग महिलाएं, ऑप्शन बी गुरुजी, ऑप्शन सी पति, ऑप्शन डी भगवान। सही उत्तर है ऑप्शन ए बुजुर्ग महिलाएं। अगला प्रश्न है, करवा चौथ के दिन क्या दान करना शुभ माना जाता है? ऑप्शन ए वस्त्र, ऑप्शन बी भोजन, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी करवा। सही उत्तर है ऑप्शन डी करवा। अगला प्रश्न है, करवा चौथ व्रत में किसकी महत्व होती है? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी दीप। सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रमा। अगला प्रश्न है, करवा चौथ में करवा क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए समृद्धि, ऑप्शन बी प्रेम, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी सौभाग्य। सही उत्तर है ऑप्शन डी सौभाग्य। अगला प्रश्न है, करवा चौथ के व्रत का पारंपरिक नाम क्या है? ऑप्शन ए करक चतुर्थी, ऑप्शन बी चंद्र चतुर्थी, ऑप्शन सी सौभाग्य चतुर्थी, ऑप्शन डी पतिव्रता चतुर्थी। सही उत्तर है ऑप्शन ए करक चतुर्थी। अगला प्रश्न है, करवा चौथ पर महिलाएं किन के लिए आशीर्वाद मांगती है? ऑप्शन ए अपने पुत्र के लिए, ऑप्शन बी अपने परिवार के लिए, ऑप्शन सी अपने पति के लिए, ऑप्शन डी अपने घर के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी अपने पति के लिए। अगला प्रश्न है, करवा चौथ की पूजा में किनका आहन किया जाता है? ऑप्शन ए माता लक्ष्मी, ऑप्शन बी माता सरस्वती, ऑप्शन सी माता पार्वती, ऑप्शन डी माता अन्नपूर्णा। सही उत्तर है ऑप्शन सी माता पार्वती। अगला प्रश्न है, करवा चौथ के अवसर पर क्या करना वर्जित है? ऑप्शन ए अन्न ग्रहण करना,
ऑप्शन बी जल ग्रहण करना, ऑप्शन सी श्रृंगार करना, ऑप्शन डी चंद्रमा देखना। सही उत्तर है ऑप्शन ए अन्न ग्रहण करना। अगला प्रश्न है, करवा चौथ की पूजा में किस फल का विशेष महत्व होता है? ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी चंपा, ऑप्शन डी चमेली। सही उत्तर है ऑप्शन बी कमल। अगला प्रश्न है, करवा चौथ में व्रत रखने वाली महिला किसे पानी पिलाती है? ऑप्शन ए पति को, ऑप्शन बी चंद्रमा को, ऑप्शन सी देवी पार्वती को, ऑप्शन डी गणेश जी को। सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रमा को। अगला प्रश्न है, करवा चौथ के दिन किस देश में दिशा में दिया जलाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तर दिशा, ऑप्शन बी पूर्व दिशा, ऑप्शन सी पश्चिम दिशा, ऑप्शन डी दक्षिण दिशा। सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर दिशा। अगला प्रश्न है, करवा चौथ के व्रत में कौन सी कथा सुनाई जाती है? ऑप्शन ए सत्यवान सावित्री, ऑप्शन बी शिव पार्वती, ऑप्शन सी राम सीता, ऑप्शन डी रुक्मणी कृष्ण। सही उत्तर है ऑप्शन ए सत्यवान सावित्री। अगला प्रश्न है, करवा चौथ की पूजा में किनका आह्वान किया जाता है? ऑप्शन ए देव ऋषि, ऑप्शन बी सप्तऋषि, ऑप्शन सी नवग्रह, ऑप्शन डी तारामंडल। सही उत्तर है ऑप्शन बी सप्तऋषि। अगला प्रश्न है, करवा चौथ पर महिलाएं किस ओर चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं? ऑप्शन ए उत्तर दिशा, ऑप्शन बी दक्षिण दिशा, ऑप्शन सी पूर्व दिशा, ऑप्शन डी पश्चिम दिशा। सही उत्तर है ऑप्शन डी पश्चिम दिशा। अगला प्रश्न है, करवा चौथ की पूजा के दौरान करवा में क्या भरा जाता है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी फूल। सही उत्तर है ऑप्शन ए जल। अगला प्रश्न है, करवा चौथ में करवा का दान किसे किया जाता है? ऑप्शन ए पड़ोसियों को, ऑप्शन बी बच्चों को, ऑप्शन सी किसी विवाहित महिला को, ऑप्शन डी पुजारी को। सही उत्तर है ऑप्शन सी किसी विवाहित महिला को। अगला प्रश्न है, करवा चौथ के व्रत में कितनी बार जल ग्रहण किया जाता है? ऑप्शन ए एक बार, ऑप्शन बी दो बार, ऑप्शन सी चंद्र दर्शन के बाद, ऑप्शन डी दिन भर। सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्र दर्शन के बाद। अगला प्रश्न है, करवा चौथ की कथा सुनने के बाद महिलाएं क्या करती हैं? ऑप्शन ए श्रृंगार करती हैं, ऑप्शन बी चंद्रमा की पूजा करती हैं, ऑप्शन सी आशीर्वाद लेती हैं, ऑप्शन डी पति का आशीर्वाद लेती हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी पति का आशीर्वाद लेती हैं। अगला प्रश्न है,
करवा चौथ के दिन महिलाएं कौन सा भोजन ग्रहण करती हैं? ऑप्शन ए हलवा, ऑप्शन बी पूड़ी, ऑप्शन सी व्रत का भोजन, ऑप्शन डी फल। सही उत्तर है ऑप्शन सी व्रत का भोजन। अगला प्रश्न है, करवा चौथ का त्यौहार किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए पारिवारिक एकता, ऑप्शन बी विवाहित जीवन की लंबी उम्र, ऑप्शन सी संतान प्राप्ति, ऑप्शन डी सुख समृद्धि। सही उत्तर है ऑप्शन बी विवाहित जीवन की लंबी उम्र। अगला प्रश्न है, करवा चौथ व्रत किस समाज में विशेष रूप से प्रचलित है? ऑप्शन ए सिख समाज, ऑप्शन बी जैन समाज, ऑप्शन सी हिंदू समाज, ऑप्शन डी मुस्लिम समाज। सही उत्तर है ऑप्शन सी हिंदू समाज।